न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पंजाब से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती है। पंजाब सरकार ने सिद्धू पर कार्रवाई की तैयारी की है। विजिलेंस विभाग सिद्धू और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगी। सिद्धू के मंत्री बने रहने के दौरान महकमे में गड़बड़ी का आरोप लगा है। सिद्धू पर पत्नी के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। स्थानीय निकाय विभाग से बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का यह आरोप लगाया गया है। पहले से दर्ज मामले में विजिलेंस विभाग ने जांच तेज कर दी है। जून 2019 में सिद्धू से स्थानीय निकाय विभाग छीना गया था और जून 2019 में सिद्धू ने कैप्टन सरकार से इस्तीफा दिया था। हमारे सहयोगी विशाल अंग्रेज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा डिटेल में यह खबर हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। बेशक कांग्रेस हाईकमान द्वारा बार बार दखलंदाजी भी की गई और दोनों को एक मंच पर लाने के प्रयास भी किए गए। बेशक जो कांग्रेस के महासचिव थे, जो पंजाब के इंचार्ज भी हैं, तो उन्होंने भी पूरे अपनी जोर आजमाइश की, लेकिन बार बार नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे थे और लगातार ही सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल भी उठा रहे थे। और क्योंकि सिद्धू का विभाग जाने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे जो अपनी जांच शुरू कर दी थी, कुछ शिकायतें मिली भी थी विजिलेंस को, और उसके बाद जो जांच थी वो धीमी कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है और बार बार हर आए दिन नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो पंजाब विजिलेंस ने जो शिकंजा कसना पूरा शुरू कर दिया है और नवजोत सिंह सिद्धू के जो करीबी लोग थे उनको जो भी जब वो स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री थे तब से लेके अब तक उन्होंने क्या क्या कार्रवाइयां की, विभाग में किस तरह का हस्तक्षेप था, इंटरफेरेंस था, कहां कहां क्या क्या लेन देन हुआ, इन सब बातों की जांच शुरू कर दी है। और ये जांच अमृतसर से लेके डेरा बसी जीरकपुर तक जा पहुंची है। अब देखने वाली बात होगी विजिलेंस का जो रुख है वो किस तरह का रहता है, लेकिन ये जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भी इनको हरी झंडी दे दी गई है, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के विभाग के नीचे आता है और पूरी तरह उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। जी विशाल, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल